हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू है तो ये रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ में उसके बगल में जो ये बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दे, सो जब भी मैं ये वीडियो कोई भी वीडियो अपलोड करूं सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिपोटले बाउल, जो मैक्सिकन डिश है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होता है। सो मैं ये अपने स्टाइल से बना रही हूँ। सो इसके लिए सबसे पहले मैं ब्लैक बीन्स को वाटर में सोक करके रख दी हूँ। ये बहुत ही अच्छा डिश होता है जिसमें कि एक ही बाउल में आपको सब कुछ रहेगा। सो पहले मैं ये ब्लैक बीन्स को बॉईल होने के लिए दे रही हूँ। सो इसमें थोड़ा पानी देके मैं बॉईल कर रही हूँ और इसके बाद हमें इसमें खूब सारे चॉप एंड स्मैश्ड किया हुआ गार्लिक डालना है। यही इसका मेन रहता है, फ्लेवर बहुत ही इसे अच्छा आता है। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ये रोस्टेड गार्लिक एंड हर्ब सीजनिंग। सो ये मैक्सिकन डिश है, सो हम लोग उसी स्टाइल में बना रहे हैं। ये रेस्टोरेंट में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ यूएसए में। सो इसमें मैं हर्ब्स डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। सो अब मैं इसे प्रेशर कुकर करने के लिए रख दूंगी। साथ में इसमें मैं 1 स्पून मक्खन डाल रही हूँ। सो आफ्टर प्रेशर कुकर करने के बाद अराउंड आफ्टर 2 or 3 सीटी के बाद तो ये दाल ऑलरेडी तैयार हो गया है। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमें राइस बनाना है। इसके लिए मैंने ब्राउन राइस दिया है। ये लॉन्ग ग्रेन ब्राउन राइस है, आप कोई भी कंपनी का ब्राउन राइस ले सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग वाटर को एक पैन में गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब ये वाटर गर्म हो जाए तो इसमें स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। उसके बाद जो सोक किया हुआ राइस था उसे हम थोड़े थोड़े करके डालते रहेंगे। ये ब्राउन राइस बनने को बहुत ही टाइम लेता है। सो इसके बाद हम थोड़ा उसमें चॉप कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और थोड़ा नींबू का रस डालेंगे। इससे राइस थोड़ा खुला खुला आता है और इसे थोड़ा हिला लेंगे। सो आफ्टर राइस बनने के बाद इस तरह का राइस का टेक्सचर आता है। ये ब्राउन राइस बहुत ही टेस्टी रहता है खाने के लिए और हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा रहता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा एवोकाडो को बनाना है। सो इसके लिए हम लोग एवोकाडो को इस तरह से कट करके उसके अंदर से ये निकालेंगे। सो अब हमें गुआकामोले बनाना है। एवोकाडो देना ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स ओके, यू कैन लीव इट, बट ये डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ऐसे भी एवोकाडो बहुत ही हेल्दी रहता है हमारे हेल्थ के लिए। सो इसमें मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, अराउंड 1/2 स्पून। सो इसे स्मैश कर देना है इस तरह से और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और ये रहा ये चॉप टमाटो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सो मिक्स इट वेरी वेल, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा चिकन है। चिकन के मैरिनेशन के लिए मैं इसमें लेमन पेपर डाल रही हूँ। ये चिकन मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है, आप अगर चिकन नहीं खाते हो तो आप लीव कर सकते हो। ये मैंने इसमें रोस्टेड गार्लिक एंड जो हर्ब्स था वो ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, जो चिकन नहीं खाते आप चिकन को साइड कर सकते हो, चिकन नहीं डाल सकते हो। तो इसमें अब मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और साथ में ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज किया हुआ लेमन का जूस डाल रही हूँ। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब पैन को थोड़ा गरम कर लेना है, उसमें ऑयल डालना है। तो ये थोड़ा ऑयल गरम रहना है तभी हमें चिकन को ऐड करना है। सो अब मैं चिकन को इसमें डाल रही हूँ पीसेस को। ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है ये जो हर्ब्स डालने से। सो इसे एक तरफ पकाना है, देन अगेन अनदर साइड में हमें पकाना है। सो अराउंड 15 मिनट्स तक ये तैयार हो जाता है। तो जब ये पक जाता है उसके बाद आप इसी पैन में इसे कट करो इस तरह से छोटे पीसेस में। ये बहुत ही टेस्टी हुआ था चिकन। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन पेपर को सॉटे करना है। पेपर मैंने लिया है और ऑनियंस चॉप किया है। सो मैं इसको ऑयल में सॉटे कर रही हूँ, इसे डीप फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है। सो इसमें अब मैं थोड़ा ब्लैक पेपर ऐड करने वाली हूँ। सो ये अराउंड 5 मिनट्स तक हमें फ्राई करना है, उसके बाद हमें अलग से रख देना है। तो साथ में मैं ये थोड़ा हर्ब्स भी डाल रही हूँ। ये मैक्सिकन खाने में थोड़ा हर्ब्स रहता है, इससे इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सो फाइनल मैं दिखा देती हूँ। ये ब्राउन राइस मैंने अलग करके निकाला था, उसके बाद ये जो पेपर था सॉटे किया हुआ, मैंने थोड़ा चॉप टोमेटो लिया है, इसमें मैंने केन्ड स्वीट कॉर्न रखा है और ये मैक्सिकन सालसा मैंने रखा है। सो ये चिपोटले सालसा है, ये बहुत ही इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये ग्वाकामोली है, साथ में ये बीन्स हमने तैयार किया था और ये चिकन चॉप किया हुआ जो रखा हुआ था, साथ में मैंने इसमें श्रेडेड चीज रखा है और ये लेटस मैंने चॉप करके रखा है और ये सावर क्रीम। सो ये बाउल तैयार करने के लिए इन सब चीजों की हमें जरूरत है। सो मैंने एक बाउल लगा लिया है, आप कोई भी नॉर्मल बाउल भी ले सकते हो। मैंने थोड़ा डेकोरेशन के लिए जो रेस्टोरेंट फीलिंग आना चाहिए वैसे टाइप का एक बाउल लिया है। यूजुअली ऐसे टाइप के बाउल में ही वो लोग सर्व करते हैं। सो हाफ पोर्शन हमें जो ब्राउन राइस है उसे रखना है और उसके बाद हाफ पोर्शन में ये ब्लैक बीन्स डालना है। ये बीन्स बहुत ही यम्मी हुआ था, ऐसे रोटी के साथ भी बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। सो हाफ पोर्शन बीन्स हमें डालना है, उसके बाद हमें चॉप चिकन डालना है। अगर आप चिकन नहीं डालते हो तो दैट्स ओके, यू कैन लीव इट, बट जो चिकन खाते हैं यू शुड ट्राई दिस चिकन, बहुत ही यम्मी हुआ था। सो उसके बाद मैं ये जो सॉटे किया हुआ जो पेपर और ऑनियंस था उसे डाल रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा बना था, लग रहा था कि रेस्टोरेंट से लाया हुआ है। सो यू मस्ट ट्राई इट, बहुत ही यम्मी था। तो अब मैं चिपोटले सालसा डाल रही हूँ। ये मीडियम ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था, मीडियम तीखा था। सो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये सालसा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो अभी फाइनल स्टेप बाकी है, इसके बाद मैं इसमें अगेन थोड़ा सालसा ऐड कर रही हूँ। और देन आफ्टर मैं इसमें थोड़ा स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ।
After that मैं इसमें थोड़ा white sour cream add कर रही हूँ. ये cream डालने से इसका flavour बहुत ही अच्छा आता है. और इसमें cream में मैंने थोड़ा पानी add कर लिया था. So अब मैं इसमें shredded cheese add कर रही हूँ. मैंने 2 मिक्स श्रेडेड चीज लिया है, मोज़रेला और चेडर. आप ओनली मोज़रेला चीज भी ऐड कर सकते हो. सो इसमें अब मैं ग्वाकामोली ऐड कर रही हूँ. ये कोई फिक्स नहीं है, आपको अगर ग्वाकामोली ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो. सो अब मैं इसमें लीटर्स ऐड कर रही हूँ, 4 लीटर्स. ये फाइनल स्टेप है और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी ये बाउल बन गया है. अगर आपका ये सब कुछ बनाया हुआ रखा रहे तो आप झटपट बना के खा सकते हो.